हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास ट्वेल्थ की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस को करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझा लिया था, यानी 1 और 2 तो आपका हो गया था आई थिंक। अब आपको 2 के बाद जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.5 के, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सिक्वेंस में समझाऊंगा और आपको उसको समझ करके नोट करते जाना है, ठीक है। तब लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लें। डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक के अंदर चैप्टर 5 पे सांतत्यता अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी का जो एक्सरसाइज 5.5 है, उसमें हमने एग्जांपल 33 कर लिया था, ठीक है। और एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से आपको आज समझाना है मुझे, यानी क्वेश्चन 3 से आज हमें करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 को आप ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 5.5 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको आप ध्यान से देख ले, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 5.5, ठीक है। मैंने ऊपर चैप्टर का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि अगर मैं चैप्टर का नाम लिखूंगा तो जगह का शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए चैप्टर का नाम आपको दिख जाएगा थंबनेल के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ लें, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? सांतत्यता अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी है, ठीक है। अब उसकी एक्सरसाइज 5.5 चल रही है, अब 5.5 पर क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा आज, ठीक है। 1 और 2 मैंने समझा लिया था प्रीवियस लेक्चर में। देखिए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। लॉग एक्स की पावर क्या है? कॉस एक्स है। देखिए ऊपर क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। आपको x के सापेक्ष अवकलन बताना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा है। अगर जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो आपको लॉग लेना पड़ता है, ठीक है। लॉग हम बेसिकली कहाँ पर लेते हैं? जब 2 से अधिक वेरिएबल ये 2 से अधिक फंक्शन मल्टीप्लाई में आते हैं तो वहाँ पर हम लॉग लेते हैं। जब फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो वहाँ पर हम लॉग लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन आप लिख ले, ठीक है। उसके बाद लेट माना इस फलन को आप y के इक्वल मान लो, ठीक है। y इक्वल टू लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहले इस फंक्शन को मैंने y के इक्वल मान लिया है। अब देखिए अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आती है तो वहां पर हम लॉग लेते हैं बोथ साइड में, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का आपको लॉग लेना है, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है। तो देखिए लॉग वाई राइट में देखिए लॉग, और यहां पर देखिए लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स पहले से चल रहा है, बस मैंने क्या किया दोनों साइड में लॉग लिया है, ठीक है, लॉग लगा लिया दोनों साइड में, बोथ साइड में, ठीक है। अब देखिए लॉग वाई तो एज इट इज है, अब देखिए log a की पावर b, log x को मान लो कि a लिखा हुआ है, इसको मान लो b, यदि log की पावर, देखिए log a की पावर b होती है, m की पावर n होती है, तो वो आगे मल्टीप्लाई में आती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या आता है कि log m की पावर n, अगर log के आगे एक नंबर की पावर है तो वो पावर मल्टीप्लाई में आगे आती है, ठीक है, log से पहले, तो n पहले मल्टीप्लाई में आएगा, log m, n log m, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, मैंने लिखवाई है, एग्जाम्पल भी समझाए थे इसके बेस पे, ठीक है। देखिए तो ये ऊपर जो इसकी पावर है ये मल्टीप्लाई में आएगी कॉस एक्स, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, लॉग और लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट गुणनफल का जो अवकलन होता है, गुणनफल रूल जो होता है वो आपको अप्लाई करना है। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनफल से अवकलन, ठीक है। जब दो फलन गुणनफल में होते हैं तो उसका अवकलन हम कैसे निकालते थे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते सेकंड का अवकलन, सेकंड को छोड़ते फर्स्ट का अवकलन, तो वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले आप, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा,
तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। हिंदी वाले बच्चे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स डेरीवेटिव का सिंबल लगा रहा हूँ खाली दोनों साइड में, बोथ साइड में, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में क्या चल रहा है, कॉस एक्स लॉग लॉग एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आते तो हम वहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, गुणनफल का जो रूल होता है अवकलन का, कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिए लॉग वाई का, ठीक है, लॉग वाई का क्या होगा, वन अपॉन वाई, इस वाई को आप एक्स मान के चले तो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, तो लॉग वाई का वन अपॉन वाई होगा, फिर वाई का आपको दोबारा करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले आप, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट को छोड़ेंगे, फर्स्ट क्या है, कॉस एक्स है, फर्स्ट को छोड़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड क्या है, लॉग लॉग एक्स है, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ते हैं यानी लॉग लॉग एक्स, सेकंड फंक्शन को छोड़ेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, देखिए मैंने क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो अब देखिए वन अपॉन वाई सेम है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स को रख दो एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए लॉग लॉग एक्स, ठीक है, अब ये लॉग एक्स को मान के चलो आप, ये एक्स है पूरा, ये लॉग के आगे जो लिखा है ना लॉग एक्स, इसको मान लो कि एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वन अपॉन एक्स होता है, अगर इसको मैं एक्स मान लिया लॉग एक्स को तो लॉग लॉग एक्स का क्या होगा, वन अपॉन में लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स के स्थान पर क्या आएगा, लॉग एक्स आएगा, क्योंकि लॉग एक्स को मैंने एक्स माना है। अब जिसको एक्स मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे चेन रूल से, तो लॉग एक्स का जब दोबारा होगा तो क्या आएगा, वन अपॉन में एक्स आएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको। अब देखिए लॉग एक्स इसको तो सेम रखना है, लॉग लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस में साइन एक्स होता है, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा से सही करके हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है, इसको नोट कर ले, इसको पहले सही से नोट कर ले। और देखिए जहां पर आपने इसको वाई माना है ना, वहां आपको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलनी है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूँ जरा, इक्वेशन फर्स्ट को रहने देता हूँ, बाकी को हटा देता हूँ, ठीक है। चलो एक एक स्टेप आपको समझ में आएंगे, आप बिल्कुल ध्यान से लेक्चर को देखिए एक बार। देखिए वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है, इधर देखिए कॉस एक्स का वन से मल्टीप्लाई करा दो तो कॉस एक्स हो जाएगा, वन का वन ही आएगा, और एक्स लॉग एक्स की मल्टीप्लाई करके लिख दो कि एक्स पहले लिख दिया मैंने, लॉग एक्स बाद में लिख दिया, एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और इसके बाद देखिए पहले मैं लिखता हूँ साइन एक्स, तो पहले मैंने यहाँ लिख दिया साइन एक्स, फिर लॉग ब्रैकेट में लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस माइनस माइनस कर दिया है, पहले मैंने साइन को लिख दिया है इधर, फिर लॉग लॉग एक्स लिख दिया है, ठीक है। चलो अब क्या करना है, देखिए अगला स्टेप ये रहता है कि जो वाई इधर मल्टीप्लाई में वो वहाँ पर डिवाइड में जाता है, ठीक है। ये स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जो वाई डिवाइड में है इधर वो वहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, इस y को आपको उधर ले जाना है, तो y मल्टीप्लाई में आएगा cos x अपॉन में x log x, माइनस में इधर क्या चल रहा है sin sin x, फिर log log x, ठीक है। चलो
इधर देखिए, आप यहाँ पर वन लेट कर सकते हैं, अगर कोई नंबर नहीं है अपॉन में तो यहाँ वन लेट कर लो, आपको सॉल्व करने में सुविधा होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट से, तो dy वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है। वाई की वैल्यू कितनी है, log log x, log x की पावर क्या है, log cos x है, log x की पावर cos x। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर चाहो तो आप एलसीएम ले लो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, cos x का वन से मल्टीप्लाई कराओ cos x आएगा। ठीक है, साइन एक्स तो सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये नंबर और ये नंबर अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर और ये नंबर अलग है। ठीक है, अगर सेम होता तो स्क्वायर लग जाता है इसमें, तो एक काम करते हैं इसको आप मल्टीप्लाई में लिख लो पहले पूरी को ऐसे ही। तो एक काम करना, पहले तो मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स लॉग एक्स, इसका मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ पर, फिर इनटू में साइन एक्स और लॉग लॉग एक्स, और एलसीएम ले लो यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दो आप एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। अगर इसने और सिंप्लीफाई किया होगा तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको आंसर लिखना है, वाई की वैल्यू फिलअप करने के बाद आपको आंसर लिख लेना है। ठीक है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ पहले। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 था ये। ठीक है, देखिए ध्यान से, 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3। चलो 5.5 देखिए ध्यान से कि log x की होल पावर cos x। ठीक है, फिर इसने लिखा है cos x अपॉन x log x। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, उसके बाद sin x log log x, बिल्कुल राइट है, यानी इसने यहीं पर छोड़ दिया है क्वेश्चन को। ठीक है, इसने इसके बाद सॉल्व नहीं किया है, इसने इसको तो सेम रहने दिया, बस y की वैल्यू फिलअप कर दिया है। ठीक है, आप चाहो तो ये कर दो, एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम आपको नहीं लेना है तो यहाँ पर आप y की वैल्यू फिल कर दे और फिर इसको सॉल्व कर दे, राइट है। अगर आपको बुक का आंसर को मैच करना है तो आपको यहाँ पर फिर एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, खाली आपको y की वैल्यू फिलअप करनी है इक्वेशन फर्स्ट से और इसको सेम लिखना है। देखिए ऐसे, देखिए ये भी सही है बिल्कुल। देखिए एलसीएम मैं नहीं ले रहा हूँ, y की वैल्यू फिल कर दी मैंने यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर cos x और अपॉन में x log x था ऐसे, और माइनस में sin x log log x। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना है अगर आपको एलसीएम नहीं लेना है। अगर आपने एलसीएम लेकर इसको और सॉल्व कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी राइट माना जाएगा। ठीक है, ये आपका एकदम एक्यूरेट आंसर है, इसको पहले आप नोट कर लें बिल्कुल सही से। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल सही से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आती है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12th। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि x की पावर x और माइनस 2 की पावर साइन x। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे पहले ये समझ लो आप। जब भी अगर दो फंक्शन अगर आपको प्लस या माइनस में आते हैं ना, तो सबसे पहला काम किया है उसको वाई मान लो। ठीक है, आपने उसको वाई मान लिया, उसके बाद जो दोनों फलन प्लस या माइनस में दिए हैं उनमें से एक को यू मान लो, एक को वी मान लो, कुछ भी आप मान सकते हैं, यू वी डब्लू। ठीक है, ऐसे आपको मान के चलना है पहले। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद लेट माना, इसको मान लो आप y के इक्वल, फंक्शन का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लेट माना, ठीक है, फलन का नाम नहीं दिया हुआ है, फंक्शन का नाम नहीं है, नेम नहीं है फंक्शन का, तो इसको y मान लो आप, y इक्वल टू x की पावर x माइनस में 2 साइन की पावर x। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, लेट x की पावर x को तो आप मान लो u। ठीक है, ऐसे लिख लो इसको पहले कि u इक्वल टू x की पावर x, फर्स्ट वाले फंक्शन को आपने u मान लिया, सेकंड वाले को आप v मान लो, 2 की पावर sin x को मैंने v मान लिया,
अब देयरफॉर, अब देखिए ध्यान से, यू एक्स की पावर एक्स को आपने क्या माना है, यू माना है यू, तो पहले तो वाई आपको सेम लिखना है, ठीक है। एक्स की पावर एक्स को आपने यू माना तो यहाँ पर आपको यू पुट करना है, फिर माइनस सेम, फिर टू की पावर साइन एक्स, टू की पावर साइन एक्स को आपने वी माना है तो यहाँ पर आपको वी पुट करना है, वी स्मॉल वी, ठीक है। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन कराना है आपको पहले इसका, अवकलन करना है, अवकलन दोनों पक्षों का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स वाई, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यू का डी यू अपॉन डी एक्स, और वी का डी वी अपॉन डी एक्स, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए आपका टारगेट क्या है कि आपको डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है पहले। अब ये डी यू अपॉन डी एक्स कहाँ से मिलेगा, जब मैं यू इक्वल टू एक्स की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स। जब मैं वी का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दूंगा दोनों साइड में तो यहाँ पर मुझे डी वी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, वो मैं यहाँ पर पुट कर लूंगा, ठीक है। अब आपको इनकी वैल्यू निकालना है और यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया आपने। अब सिंस यू इक्वल टू आपको क्या दिया था, एक्स की पावर एक्स आपने माना है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड या फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कुछ भी लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड या फिर बोथ साइड भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। देखिए यहाँ पे लॉग ले लिया आपने, लॉग यू, इधर भी लॉग एक्स की पावर एक्स। अब आपको पता है कि लॉग यू तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर देखिए लॉग एम की पावर एन, तो ये पावर मल्टीप्लाई में आएगी तो एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। प्रॉपर्टी आप एग्जामिनर को साइड में दिखा लेना कि लॉग एम की पावर एन क्या होती है, एन लॉग एम होता है, ऐसे आप लिख करके दिखा ली, ठीक है। चलो इसके बाद डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड को लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या लिखना है शॉर्ट में, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर लॉग यू का पहले तो डेरिवेटिव का सिंबल लगा लो, डी अपॉन डी एक्स लॉग यू, ठीक है। इसके बाद देखिए राइट में डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंसिएशन एक्स लॉग एक्स, इस पर डेरिवेटिव का सिंबल आपने लगा लिया। अब देखिए इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले ऊपर, यहाँ पर देखिए आप लॉग यू का क्या हो जाएगा, वन अपॉन में यू, बट आपने यू को एक्स माना है तो इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो डी यू अपॉन डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले, इसको सेकंड मान ले, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर ले, यानी फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, यानी फर्स्ट क्या है एक्स, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड क्या है लॉग एक्स, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकंड क्या है लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है एक्स, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर ले, वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स एज इट इज है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन में एक्स, लॉग एक्स का क्या होगा वन अपॉन में एक्स, प्लस उसके बाद लॉग एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष वन, ठीक है। यहाँ से एक्स वन टाइम कट हो जाएगा, तो वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर वन वन जब वन, ठीक है, एक्स से एक्स कट हो गया, यहाँ पर एक्स से एक्स कट हो गया, तो वन वन जब वन बच जाएगा, और यहाँ पे लॉग एक्स का वन से मल्टीप्लाई कर लो तो लॉग एक्स बन जाए लॉग एक्स, इतना, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप क्या रहता है कि आपको केवल डी यू अपॉन डी एक्स को रखना है इधर, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ में जो यू है डिवाइड में वो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू, अब ब्रैकेट लगा लें यहाँ पर,
वन प्लस में लॉग एक्स, ठीक है। देखिए अब जिसको आपने u माना था उसकी वैल्यू फिलअप कर दी, देखिए u आपने माना था x की पावर x को, तो यहाँ पर आपको u की वैल्यू फिलअप करनी है d अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू क्या है x की पावर x आपने फिलअप कर दी यहाँ से, ठीक है, और इसके बाद ब्रैकेट में वन प्लस में log x, इसको मान लें आप इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या मान लें इक्वेशन सेकंड। अब सेम आपको क्या करना है, v का करना है डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड में x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको पहले आप नोट कर लें। चलो अब देखिए, देखिए सिंस आपको क्या दिया हुआ है, चूंकि v इक्वल टू 2 की पावर साइन x है। अब देखिए इसको आप दो रूल से कर सकते हैं, पहली बात क्या है कि आप यहाँ से लॉग ले लो, बोथ साइड में लॉग ले लो तब भी ये हो जाएगा, अदरवाइज आपने ये पढ़ा है फॉर्मूला कि डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, a की पावर x क्या होता था, a की पावर x लॉग ए, यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 तो कॉन्स्टेंट है और साइन x फंक्शन है, ठीक है, तो अगर यहाँ कॉन्स्टेंट की पावर फंक्शन होती है तो उसका अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए होता है डायरेक्ट, ठीक है, और चाहो तो यहाँ पर आप लॉग ले सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो डी वी अपॉन में डी एक्स, आप चाहो तो लॉग भी ले सकते हैं फिर भी आंसर राइट आएगा एकदम, तो डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा है साइड में, ध्यान से देखिए कि a की पावर x था तो यहाँ पर क्या आएगा, a की पावर x, यानी यहाँ पर यही सेम नंबर रिपीट होगा 2 साइन की पावर x, इसके बाद देखिए log a, तो log a, अब देखिए log a क्या है, a है ये वाला इसमें, तो log 2 आएगा, फिर इसको आपने क्या माना, x माना है, साइन x को आपने x माना है, इसका डिफरेंशिएशन आपको दोबारा करना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स साइन x, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पर भी लॉग ले सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलो अब देखिए डी वी अपॉन डी एक्स ये स्टेप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 2 की पावर साइन x एज इट इज है, log 2 कॉन्स्टेंट है, इसको सेम लिख ले आप, और यहाँ पर देखिए साइन x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से आप लिख ले, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए सबसे पहले क्या चल रहा है, डी वी अपॉन डी एक्स चल रहा है, यहाँ पे देखिए log 2 कॉन्स्टेंट है, इसको पहले कर लो आप log 2, इसके बाद cos x लिख रहा हूँ मैं पहले, और उसके बाद 2 की पावर साइन x, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको सेकंड माना था, इसको थर्ड मान लेना आप। अब देखिए समीकरण एक, समीकरण दो और समीकरण तीन, यानी इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से आपको डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए चलो इसको मैं हटा देता हूँ पहले, इसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, फिर डी यू अपॉन में डी एक्स है, इसको पहले आप लिख ले ऐसे। अब यहाँ पर आपको फिल करनी है वैल्यू इनकी, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स सेम है, डी यू अपॉन डी एक्स कितना है, देखिए डी यू अपॉन डी एक्स, इसको लिख ले आप x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस में log x, ठीक है, माइनस एज इट इज है, डी वी अपॉन डी एक्स कितना है, log 2 कॉन्स्टेंट है, तो पहले log 2 आप लिख ले, इसके बाद cos x और 2 की पावर sin x, log x 2 की पावर sin x, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसको चाहो तो आप थोड़ा से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, थीके? एक बार इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। देखिए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर ये 4 था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सही से प्रैक्टिस कर ले आप। क्वेश्चन नंबर 5,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एक्सरसाइज 5.5 का। तो देखिए पहले ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा गया है, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स, बिल्कुल राइट है, ये इसने पहले लिख दिया। ठीक है, इसने क्या किया, 2 की पावर साइन एक्स को पहले लिख दिया, फिर लॉग 2 और कॉस एक्स लास्ट में लिखा है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखिए बुक ने कैसे लिखा है, यहाँ तक आंसर बिल्कुल राइट है। देखिए आपको बता देता हूँ कि बुक ने कैसे लिखा है। देखिए बुक ने कुछ नहीं किया है, ये आपके बिल्कुल राइट आंसर है, बस इसने आगे पीछे लिख दिया थोड़ा सा। एक्स की पावर एक्स सेम है 1 प्लस लॉग एक्स, और देखिए इसने सबसे पहले 2 की पावर साइन एक्स लिखा है मल्टीप्लाई में, फिर इसने कॉस एक्स लिख दिया सिक्वेंस के हिसाब से, साइन के बाद कॉस, फिर लिखा है इसने लॉग 2 कॉन्स्टेंट लास्ट में, फिर इसने क्या लिखा है लॉग 2 कॉन्स्टेंट लास्ट में लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये आंसर है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है ये। आप चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, देखिए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 का होल क्यूब फिर एक्स प्लस 5 की होल पावर 4। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए पहले ध्यान से। सबसे पहले जो स्टेप है आपका वो क्या रहता है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ता है। इसके बाद इस फंक्शन की, इसके बाद इस फंक्शन का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप y मान लो, इसको y के इक्वल मान लो कि y इक्वल टू x की पावर x प्लस 3, लेट यहाँ पर एक दिन लेट माना y इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब और x प्लस 5 की होल पावर 4। ठीक है, अब देखिए अगर दो से ज़्यादा फलन मल्टीप्लाई में होते हैं यानी गुणनफल में होते हैं तो वहाँ पर हम लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक फंक्शन ये, एक ये, एक ये, यानी टू से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो मतलब हम यहाँ पर लॉग लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको लिखना क्या है, टेकिंग लॉग बोथ साइड या ऑन बोथ साइड, ठीक है कुछ भी आप लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। अब देखिए वाई है तो यहाँ पे आपको लॉग लेना है तो लॉग वाई हो जाएगा, राइट में लॉग लो आप, लॉग ब्रैकेट लगा लो पहले यहाँ पर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 4 की होल क्यूब फिर इनटू में एक्स प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए लॉग वाई एज इट इज है, यहाँ पर देखिए लॉग, देखिए लॉग क्या आ गया, अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है आपको पता है कि लॉग ए बी और सी अगर मल्टीप्लाई में है तो हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए लॉग ए, ए मान लो ये एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ए हो गया, फिर प्लस लगाओ लॉग बी, बी क्या है एक्स प्लस 4 का होल क्यूब, प्लस लगा के फिर लॉग एक्स प्लस 5 की होल पावर 4 होल पावर 4। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है। पहले देखिए लॉग एम की पावर एन है तो ये पावर मल्टीप्लाई में आएगी तो 2 लॉग एक्स प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पावर मल्टीप्लाई में आएगा 3 लॉग एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये पावर मल्टीप्लाई में आएगी लॉग के आगे 4 इंटू लॉग एक्स प्लस 5। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर लो इसको, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई का करना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सेपरेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है डेरिवेटिव इसका, इसका डिफरेंशिएशन में यहाँ पर सेपरेट करा रहा हूँ तो टू कॉन्स्टेंट ही बाहर हो जाएगा, तो d अपॉन dx
लॉग एक्स प्लस थ्री का डिफ्रेंसीसन, फिर यहाँ पर थ्री कॉन्स्टेंट है इसको बाहर कर लो आप, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस फोर का डिफ्रेंसीसन, फिर फोर कॉन्स्टेंट है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस फाइव का डिफ्रेंसीसन। ठीक है, चलो क्या किया मैंने, ये सारे टू थ्री फोर कॉन्स्टेंट है इसका, ये मैंने बाहर कर लिया, तो इसका अवकलन, इसका अवकलन, इसका अवकलन, यानी इनका आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, चलो लॉग वाई का वन अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर वाई का एक्स के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, टू कॉन्स्टेंट है, लॉग एक्स प्लस थ्री का क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। अब देखिए x प्लस थ्री को आपने x माना, तो इसका डेरिवेटिव आपको दोबारा करना पड़ेगा, x का वन कॉन्स्टेंट का जीरो है। ठीक है, चलो फिर इन टू में थ्री, लॉग x प्लस फोर का क्या होगा, वन अपॉन x प्लस फोर। ठीक है, फिर इसको आपने x माना, इसका दोबारा करो, x का वन कॉन्स्टेंट का जीरो। ठीक है, फिर फोर कॉन्स्टेंट है, लॉग x प्लस फाइव का वन अपॉन x प्लस फाइव हो जाएगा। एक्स के फिर दोबारा करना है, एक्स वन और कांस्टेंट का जीरो, फाइव का जीरो। ठीक है, अब वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, यहाँ पर देखिए यहाँ वन बच जाएगा, तो टू वन जो टू, टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर देखिए यहाँ थ्री बच जाएगा, थ्री वन जो थ्री एक्स प्लस फोर, उसके बाद यहाँ पर फोर, फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव। ठीक है, चलो तो ये आपका आंसर है, इसको पहले आप नोट कर ले, अभी आपको इस y को उधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये y जाएगा उधर, y की वैल्यू आपको फिलअप करना है, तो पहले आप इसको यहाँ तक नोट कर ले। देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको हटा देता हूँ पहले। चलो ठीक है, और जहाँ पर आपने इसको y माना है ना, y इक्वेशन फर्स्ट माननी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने y माना था स्टार्टिंग में, तो इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलनी है। ठीक है, चलो अब देखिए इसके बाद, ठीक है, जिसको आपने y माना था इसको आपको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो ये y उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो y मल्टीप्लाई में आ गया, इधर क्या बचेगा, टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, फिर प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर, फिर प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव। ठीक है, चलो अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू फिल कर लो कितनी है, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, फिर एक्स प्लस फोर का होल क्यूब, एक्स प्लस फाइव की होल पावर फोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, अगर चाहो तो आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसको आप पहले सेम लिख ले। चलो अभी केवल मैंने यहाँ पर y की वैल्यू फिलअप करी है। ठीक है, इसको अभी मैं सेम लिख रहा हूँ। चलो देखिए, आप चाहो तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बस आपको y की वैल्यू फिलअप करनी है और इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये राइट आंसर है, बिल्कुल इसको नोट कर ले पहले एक बार, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक्सरसाइज 5.5 का। देखिए ये बिल्कुल राइट आंसर है, आप चाहो तो यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, अगर आपको आगे सॉल्व करना है, अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर को मैच करना है, अगर आपको एनसीईआरटी बुक के आंसर को मैच करना है, तो देखिए मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं इसको हटा देता हूँ। चलो अब जो एनसीईआरटी बुक ने आंसर निकाला है उसको देख लो आप पहले।
उसने कैसे निकाला है, ठीक है। देखिए इसको लिख रहा हूँ पहले ऊपर में डी वाई अपॉन डी एक्स, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन। अब एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर एक्स प्लस फोर का होल क्यूब, फिर एक्स प्लस फाइव की होल पावर फोर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को पहले मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो टू अपॉन में एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री अपॉन में एक्स प्लस फोर, और इसके बाद क्या है प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस फाइव पे, इतना है, ठीक है। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको एनसीईआरटी के आंसर को मैच करना है। तो देखिए कैसे होगा वो आंसर मैच, देखिए ध्यान से, यहाँ तक बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स ये सेम रहेगा, एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब और एक्स प्लस फोर का होल क्यूब, देखिए एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर था, एक्स प्लस फोर का होल क्यूब और एक्स प्लस फाइव का होल, एक्स प्लस फाइव की होल की, एक्स प्लस फाइव की पावर फोर। देखिए एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस फोर की होल पावर थ्री है, होल क्यूब है, और एक्स प्लस फाइव की होल पावर फोर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर देखिए, यहाँ ब्रैकेट में आपको ध्यान क्या देना है कि इनका एलसीएम लेना पड़ेगा पहले आपको सभी का। देखिए अगर डिनोमिनेटर में सभी वैल्यू डिफरेंट है तो एलसीएम में क्या करते हैं, इन सभी का मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ऐसे आप इसको लिख लो, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है बिल्कुल, देखिए एक्स प्लस थ्री से एक्स प्लस थ्री कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों बच जाएंगे, तो इनका आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है इस टू के साथ में। तो पहले मैं टू लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं होगी आपको, देखिए पहले अब क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए पहले ध्यान से मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए इस एक्स प्लस थ्री से आपको एलसीएम से डिवाइड करना है, एक्स प्लस थ्री कट जाएगा, तो अब ये कट गया, अब ये बच गया, तो इनका आपको मल्टीप्लाई करना है और ऊपर लिखना है। तो देखिए एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस फाइव बच गया आपके पास, इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का फाइव में फाइव एक्स, फिर फोर का एक्स में फोर एक्स, फिर फोर का फाइव में फोर फाइव या ट्वेंटी, एक्स स्क्वायर एज इट इज है, फाइव एक्स और फोर एक्स नाइन एक्स प्लस में ट्वेंटी, ठीक है। यानी देखिए क्या हुआ, इससे ये कट हो गया, ये बच्चा, इनका मैंने मल्टीप्लाई ये कर लिया। अब देखिए ये आंसर है, इसका मल्टीप्लाई आपको ऊपर टू के साथ करना पड़ेगा, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में नाइन एक्स प्लस में ट्वेंटी, सीधे मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, सेम प्लस चल रहा है और ये थ्री आपको सेम लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसका, इससे देखिए एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर कट हो जाएगा, तो ये बच जाएंगे ये दोनों, इनका मल्टीप्लाई करा के आप लिख लो ऊपर थ्री के साथ में, ठीक है। एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस, देखिए एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर कट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस नंबर का आपको डिवाइड करना है एलसीएम से, तो एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर कट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा एक्स प्लस थ्री, इसका आप यहीं पर पहले मल्टीप्लाई करा दें, तो एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स का फाइव में फाइव एक्स, थ्री का एक्स से थ्री एक्स, थ्री का फाइव से फिफ्टीन, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सेम, फाइव और थ्री एट एक्स प्लस में फिफ्टीन, तो यानी ये दोनों बच्चे थे, इनका मल्टीप्लाई क्या आया है एक्स स्क्वायर प्लस में एट एक्स प्लस में फिफ्टीन, ठीक है। उसके बाद प्लस फोर चल रहा है, फिर एक्स प्लस फाइव से एक्स प्लस फाइव कट जाएगा एलसीएम से, तो फिर ये बचेगा आपका, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख ले आप, देखिए एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फोर का मल्टीप्लाई क्या आएगा, देखिए एक्स के एक्स में एक्स स्क्वायर, फिर एक्स के फोर में फोर एक्स, थ्री के एक्स में थ्री एक्स और थ्री के फोर में ट्वेल्व, देखिए ये तो एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, फाइव फोर और थ्री कितना होगा सेवन एक्स प्लस में ट्वेल्व कितना आएगा, ठीक है, इससे ये कट हो गया था, ये बच्चा इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, ठीक है, चलो
अब आगे देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस थ्री है और एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस थ्री से इसकी पावर कट हो जाएगी एक, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस थ्री, ठीक है, एक्स प्लस फोर से इसका क्यूब कट जाएगा तो यहाँ टू बच जाएगा, यानी एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर बच जाएगा, फिर एक्स प्लस फाइव से इसकी पावर फोर कट जाएगा तो यहाँ एक्स प्लस फाइव का होल क्यूब बच जाएगा, ठीक है ऐसे। चलो अब यहाँ देखिए इसका आप मल्टीप्लाई करा दे पहले, टू का एक्स में टू एक्स स्क्वायर, टू नाइन जाए एटीन एक्स, और टू का ट्वेंटी में टू टू जो फोर यानी फोर्टी, प्लस थ्री का एक्स स्क्वायर से थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री का एट से थ्री एट जा ट्वेंटी फोर एक्स, उसके बाद थ्री का फिफ्टीन में तो फोर्टी फाइव, और फिर प्लस फिर फोर का एक्स में फोर एक्स स्क्वायर, फिर फोर का सेवन में तो ट्वेंटी एट एक्स, फिर फोर का ट्वेल्व से फोर ट्वेल्व फोर जो कितना होगा फोर्टी एट, ठीक है कितना होगा फोर्टी एट, चलो फोर ट्वेल्व जो कितना होगा फोर्टी एट। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज है, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर और एक्स प्लस फाइव का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए जो लाइक टर्म्स है उनको प्लस करा दो, देखिए टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा फोर और थ्री सेवन, सेवन और टू कितना होगा नाइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स वाली टर्म देखिए एटीन एक्स ये है, ट्वेंटी फोर एक्स ये रहा और फिर ट्वेंटी एट एक्स ये रहा, इनको पहले साइड में लिख लो आप, एटीन एक्स उसके बाद ट्वेंटी फोर एक्स उसके बाद ट्वेंटी एट एक्स, इनको प्लस करा दें आप, एक्स सेम रहेगा एट एट सिक्सटीन हो जाएगा, सिक्सटीन और फोर कितना होगा ट्वेंटी का जीरो टू, टू टू जब फोर, फोर और टू सिक्स सिक्स सेवन, सेवेंटी एक्स कितना आएगा, इसको और इसको इसको प्लस कर कितना आ रहा है सेवेंटी एक्स आ रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद जो नंबर रह गए ये देखिए फोर्टी है, इसको साइड में लिख लो आप, इसके बाद यहाँ पर फोर्टी फाइव है, फोर्टी एट है, इनको प्लस करा दो, एट और फाइव कितना होगा थर्टीन का थ्री, ठीक है थर्टीन होगा तो फिर थर्टीन का थ्री होगी वन कैरी, फोर फोर एट और ट्वेल्व एक थर्टीन कितना होगा तो वन हंड्रेड थर्टी थ्री हो जाएगा, ठीक है इतना हो जाएगा। अब इसको बस थोड़ा आप सही से लिख ले, ठीक है वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आंसर आपका राइट हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट आप छोटा लगा ले ऐसे करके, ठीक है। चलो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है अगर एनसीईआरटी के आंसर को आपको मैच करना है तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल ये राइट होगा, एक बार देख लेते फिर भी क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें कुछ और हो नहीं सकता। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 था, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है क्वेश्चन को आप ऊपर भी छोड़ सकते थे लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर को मैच करना है तो आप कर सकते हैं। एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर एक्स प्लस फाइव का होल क्यूब, फिर दिया है नाइन एक्स स्क्वायर सेवेंटी एक्स प्लस वन हंड्रेड थर्टी थ्री, सेवनटीन एक्स प्लस वन हंड्रेड थर्टी थ्री बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आपको बिल्कुल सही से नोट करना है, ठीक है पूरा इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि एनसीईआरटी बुक ने इसको कहाँ से किया है सॉल्व, मतलब कहाँ तक इसको सॉल्व किया है, ठीक है। चलो इसको आप नोट कर ले पहले, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको बिल्कुल सही से नोट कर ले,